हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। एंड टुडे टुडे इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट दिस फुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेंडर एंड पेमेंट एक्टिविटीज। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, इन लास्ट सेशन हमने समझा था कि कस्टम ड्यूटीज एंड शिपिंग लाइन की पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड अदर एक्टिविटीज विच इज द पार्ट ऑफ दिस सेशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो है सेशन आपका, जो भी हम पेमेंट करवा रहे हैं वेंडर्स की उनके रिलेटेड है। जो भी सप्लायर की पेमेंट हो गई, इंपोर्टर इंपोर्टर के केस में, ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग लाइन और एयरलाइन की पेमेंट्स हो गई, ठीक है। तो उसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। तो जो भी टाइम लाइन्स एंड पेमेंट टर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करानी होती है, ठीक है। सो जस्ट लाइक ए शिपिंग लाइन रिफंड। ओके, जब भी हम कोई शिपमेंट इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्ट के टाइम पे शिपिंग लाइन हमें अब कंटेनर्स देती है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए दे विल टेक सम सिक्योरिटी। लाइक ए उन्होंने अपना एक नया कंटेनर, जो कि शिपिंग लाइन का जो कंटेनर है वो एक नया कंटेनर है जिसकी वैल्यू है 12 लाख। 12 लाख का कंटेनर है। वो कंटेनर शिपिंग लाइन आपको हैंड ओवर कर रही है कि आप इस कंटेनर को ले जाओ अपने वहां पे खाली करके वापस हमें कर देना। तो इस केस में शिपिंग लाइन बोलती है कि अगर तुम इस कंटेनर को वापस मतलब रिटर्न हमें नहीं दोगे, ड्यू टू दैट रीजन आप हमें कुछ सिक्योरिटी जमा करा दो यहाँ पे, ठीक है। फॉर दैट श्योरिटी दैट कंटेनर एम्प्टी कंटेनर विल रिफंड आर नॉट, ओके, रिटर्न आर नॉट। सो वहाँ पे शिपिंग लाइन एज पर शिपिंग लाइन कुछ एक्सपेंसेस लेती है कि भाई हमें इतना सिक्योरिटी जमा करा दो, जब आप कंटेनर हमें दे दोगे हम आपको दे देंगे पेमेंट जो आपने जमा कराई है, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी अब हमने जमा कर दी, कंटेनर हमारा प्लांट में खाली होकर चला गया और हमने शिपिंग लाइन को जमा कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि हमें एक रिक्वेस्ट देनी होगी शिपिंग लाइन को कि हमारा जो रिफंड है वो हमें वापस कर दो, हमने आपका कंटेनर वापस कर दिया, ठीक है। तो फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी शिपिंग लाइन और उसके बाद कुछ टाइम लेके फिर वो रिफंड हमें दे देगी, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट FIRC। दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, जब भी एक्सपोर्ट की पेमेंट आती है, ठीक है, तो उसमें बैंक हमें एक FIRC जनरेट करके देता है। किस केस में? जब एडवांस पेमेंट आती है, ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में अगर पेमेंट आ रही है तो उसमें FIRC नहीं जनरेट होगी, उसमें वो आपका जो पेमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में रिकनसाइल हो जाएगा। लेकिन FIRC के केस में रिकनसाइल नहीं होता। इस केस में क्या होता है कि बैंक आपसे पूछ रही है कि ये पेमेंट आई है किस चीज की है, हम इसको कैसे रिकनसाइल करें, तो हमें फिर उसके रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे हमें टायर एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, टायर एक्सपोर्ट करने, तो उस केस में क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने बायर की पेमेंट का नेगोशिएट करना होता है कि कौन सी टर्म्स रखें, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट टर्म्स रख दी एडवांस, बिकॉज देयर नया बायर है, हमें पेमेंट की श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो नया बायर के लिए हमने पेमेंट क्या कर दी, एडवांस। अब एडवांस के केस में वो पेमेंट एडवांस करेगा PI के बेस पे, परचेज परफॉर्म इनवॉइस के बेस पे, ठीक, क्योंकि एक्चुअल में शिपमेंट तो डिस्पैच हुई नहीं है। तो जो पेमेंट आएगी बैंक के थ्रू, तो बैंक कहेगी आपको, भेजेगी FIRC और कहेगी ये पेमेंट किस चीज़ की आई है। फिर उसके रिस्पेक्ट में जब गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो वो हमें बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट वी हैव टू सबमिट इन द बैंक, देन बैंक विल रिकनसाइल एंड जनरेट BRC, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट अगेंस्ट FIRC हो गया। इसके अलावा TDS, GST, कोऑर्डिनेशन विद प्लांट एंड वेंडर्स, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके बिलों पे TDS होता है, वो जो भी एज पर पेन ऑफ द कंपनी बेसिकली 2% TDS कटता है, ठीक है। GST एज पर HS कोड कट बनती है, तो वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन करना होता है। सो गाइज, इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि शिपिंग लाइन रिफंड और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट FIRC का क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा GST और TDS का कोऑर्डिनेशन
जो बिल प्रोसेस करते हैं उसमें कैसे रखना होता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।